हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 10 के बारे में। अभी तक आपके इसके 9 एपिसोड नहीं देखे जो कि आई बटन पे आपको मिल जाते हैं, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ एक कमेंट नहीं किया होगा तो वो भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 10। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर ये जो गोहन है ये एक्चुअल में गिर जाता है एक जगह पर, जो कि एक्चुअल में खंडर सी जगह है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक रोबोट से, जहाँ वो रोबोट इसकी जान बचाता है, इसको बाहर भी फेंक देता है। लेकिन इसी के वजह से रोबोट वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जो कि मर जाता है। जहाँ पर गोहन बहुत ही ज़्यादा उदास है और अब उसने ठान लिया है खुद के बलबूते पर जीना, जहाँ पर वो अभी जीने वाला है। और इधर हम देख रहे हैं कि अभी भी एक साल बचा हुआ है इन सेंस को आने के लिए अर्थ की तरफ। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं कि बारिश हो रही है, जहाँ पर गोहान जो है वो नदी में से एक मछली पकड़ के लाता है, जो कि यही कहता है कि तुम्हें पकड़ने से ज्यादा तो यहाँ से लेके जाने में तकलीफ हो रही है। जहाँ पर गोहान थक चुका है, जो कि वो मछली को खींचते हुए आगे बढ़ रहा है। जहाँ पर उसे बेरीज दिखती है तो वो भी ले लेता है। फिर उसे ट्री पर कुछ एप्पल्स दिखते हैं जिसको तोड़ने के लिए वो ऊपर चढ़ता है। जहाँ वो एप्पल को तोड़ता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने एक सांप है जिसको वो आराम से ही उठा के बाजू वाली डाली पर रख देता है। ये सारे फल फ्रूट तोड़ के वो नीचे उतरने ही वाला होता है, लेकिन स्लीप हो जाता है, जो कि धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि जोर जोर से बिजली कड़क रही है, बारिश का मौसम फिर से चालू हो गया है। जहाँ पर गोहान उठता है एकदम ही चौंक कर और वो गुफा के अंदर चले जाता है। जहाँ पर वो गुफा के अंदर जाने के बाद वहाँ वो आग जला लेता है और कुछ तो बना रहा है। जहाँ पर वो बना रहा है तभी उसे याद आती है पापा की वो बात। जहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि गोहान को कुछ लग चुका है जिसको लगाने के लिए मलम बना रहा है गोकू। जहाँ गोकू कह रहा है कि इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे थोड़ी जलन होने के बाद। वहाँ पर गोहान ये लगाने नहीं देता, फिर गोकू उसे लगा देता है। जहाँ अभी हम देख रहे हैं कि ये जो गोहान है इसको हाथ को लग चुकी है, जो कि खुद ही बना के वो मलम लगा रहा है। तभी हम उसके पीछे दो आंखें चमकते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं एक सिटी के अंदर एक स्टेडियम में, जहाँ पर बेसबॉल खेला जा रहा है। जहाँ हमें देखने को मिलता है यामचा। जहाँ पर पूरा उसे पूछता है कि यामचा तुम ये कब तक खेलोगे, कब तक तुम यहाँ पर रहोगे, क्या तुम्हें फाइट नहीं करनी है। जहाँ पर यामचा कहता है कि ये सारी चीजें मैंने पैसों के लिए स्टार्ट की थी तो अभी उसके लिए ही मैं खेलूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक स्ट्राइकर आ चुका है जो कि बहुत ही अच्छे से गेंद फेंक रहा है, जिससे इसके प्लेयर पूरे चित हो रहे हैं। जिसको देखकर कोच यामचा के पास आता है, जो कि कहता है कि यामचा तुम चले जाना इसके बाद, क्योंकि तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है हमें इस मैच को जीतने के लिए। जहाँ पर यामचा सिंपली यही कहता है कि ठीक है मैं तो खेल लूंगा, लेकिन तुम्हारी पूरी ही टूर्नामेंट मैंने जीता के दी है यहाँ पर, जिस वजह से तुम्हें मुझे अभी देने होंगे $20 million। जहाँ पर ये कोच रेडी हो जाता है। अब यामचा चले जाता है खेलने के लिए। इधर स्ट्राइक पे जो है वो चल में खेल नहीं पा रहा है, वो कंटिन्यूस दोनों बॉल डॉच कर रहा है। इधर जो ये इनका कोच है ये अलग ही इशारे कर रहा है, इस वजह से खेलने वाला कंफ्यूज हो जाए और यामचा को चांस मिले। लेकिन जैसे ही और एक गेंद आती है जोर से, वैसे ही ये जो स्ट्राइक पे बंदा खड़ा था ये सीधा ही उस बॉलर से लड़ लेता है, जिस वजह से ये सारे ही प्लेयर्स एक दूसरे टीम के साथ लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर यामचा ऊपर देखता है, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश है। जहाँ पर पूरा समझाता भी है कि यामचा तुम लड़ नहीं सकते। जहाँ पर यामचा कहता है कि हाँ मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन थोड़ी तो मजा ले ही सकता हूँ। जहाँ पर यामचा के फेस पर खुशी हम साफ साफ देख सकते हैं। ये खुशी इसी वजह से है क्योंकि यामचा ने अब तक फाइट ही नहीं की है, कब से वो सिर्फ बेसबॉल खेल रहा है। इधर यामचा जाता है, जहाँ पर वो पूरा को कहता है कि तुम टेंशन मत लो। अब यामचा जाने के बाद यामचा किसी को मारता नहीं है, सिंपली वो अपने हाथ अपने लात इधर उधर घुमाता है, जिससे इन लोगों को लग जाती है। तभी इसी के बीच में एक बंदा आ जाता है। जहाँ पर वो उसे मारने जाता है तो वो देखता है कि सामने और कोई नहीं क्रिलिन खड़ा है, जो कि कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, थोड़ा अंदर चलोगे। जहाँ पर क्रिलिन सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि गोकू की एक्चुअल में मौत हो चुकी है, दो सेयंस आने वाले
वाले हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए, जिस वजह से हमें फाइट के लिए रेडी होना है, जहाँ पर कोरिन ने हमें बुलाया है। अब यामचा रेडी हो जाता है, ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इसे देखने को मिलती है बुलमा, जो कि आवाज देती है हे यामचा, जो कि पहले तो हंस देती है लेकिन बाद में कहती है कि मैं तुमसे रूठी हूँ यामचा, तुम बेसबॉल खेलने चले गए मेरे को बताए बिना। जहाँ पर पोरा कहता है कि तुम समझो बुलमा, उसके पूरे पैसे खत्म हो गए थे, वो पैसे जुटाने में ही लग गया था, इस वजह से उसको ये खेल खेलना पड़ा। यहाँ पर यामचा भी अभी थोड़ा सा उदास हो जाता है, जो कि कहता है क्रिलिन से कि क्रिलिन जब फाइट होगी तब मुझे बुला लेना, पर वो जाने लगता है। तभी क्रिलिन कहता है कि यामचा हमें बुलाया है कोरिन ने, जो कि हमें नए नए मूव सिखाने वाला है और इस बार वही खुद ट्रेन भी करने वाला है हमें इस खतरे से लड़ने के लिए। ऐसे ही वो ये बात बताता है तो यामचा सीधा ही गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और कहता है कि चलो हमें देर हो रही है। वहाँ बुलमा कहती है कि इसको काहे की जल्दी हो गई, अभी तो ये आने वाला नहीं था। अब हम देखते हैं गोकू को, जो कि नाचते हुए फुदकते हुए आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर वो कह रहा है कि और कितना आगे जाना पड़ेगा मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, फिर भी ये आगे बढ़ चले जा रहा है। इधर अभी हम गोहान को देखते हैं, जो कि सो चुका है, जिसके आसपास खाने की चीजें पड़ी हुई है, जो कि धीरे धीरे करके गायब होती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, जिस वजह से गोहान उठ चुका है और वो पास ही में हाथ लगाता है, जहाँ उसे देखने को मिलता है एक बड़ा डायनासोर, जिससे डर कर ये बाहर आ जाता है। जहाँ पर उसे याद आता है कि मेरी तलवार तो अंदर ही रह चुकी है, जहाँ वो लेने जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही डायनासोर बाहर आता है, तो ये डर जाता है बहुत ही ज्यादा। तभी हम देखते हैं कि डायनासोर आके सामने ही कर गिर चुका है, जहाँ पर गोहान को ये बात समझ में आ जाती है कि इसको कुछ तो लगा हुआ है। जहाँ वो देखता है तो उसको एक लकड़ी लग चुकी है, जिसको निकालने का काम ये गोहान करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाता है और आखिरकार वो लकड़ी बाहर निकाल लेता है। जहाँ पर वो डायनासोर को कहता है कि तुम रुको मैं अभी मलम बनाता हूँ, जहाँ वो सेम मलम बना रहा है जो कि एक्चुअल में उसने लगाया था। जहाँ वो बता भी देता है कि ये मेरे पिता ने बनाया था, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा दर्द तो होगा लेकिन कोई नहीं, तुम जल्दी ठीक भी हो जाओगे। तभी वो पूरा पत्ता उसके ऊपर देता है, जहाँ पर डायनासोर थोड़ा चिल्लाता भी है। अब इधर हम देखते हैं कि गोहान उसके लिए खाना लेने गया है, जो कि एक पोटली में बांध के लेके आता है। जहाँ पर वो रखता है तो डायनासोर उसे निगल लेता है। फिर गोहान जाता है पानी लेने के लिए, जहाँ पर वो पानी पीता है। तभी वो सोचने लगता है कि ये जो डायनासोर है ये मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है, तो मैं इसके लिए और खाना लेके जाता हूँ। जहाँ पर वो आगे बढ़ जाता है। इधर अभी हम देख रहे हैं कैप्सूल के अंदर, जहाँ पर ये लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, जहाँ पर यामचा बहुत ही ज्यादा खुश है। जहाँ पर यामचा कहता है कि बहुत टाइम हो गया किसी को धोया नहीं है, तो इस बार तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जहाँ पर बुलमा कहती है कि ये आम सी फाइट नहीं है जहाँ पर तुम जीत जाओगे, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है। जहाँ क्रिलिन हामी भी भर देता है। जहाँ पर अभी यामचा कह देता है कि भाई हमारे साथ पिकलो भी है और गोकू भी बहुत अच्छे से ट्रेन होके फिर से आएगा, जहाँ पर उसकी पावर 4 गुना बढ़ चुकी होगी, तो हम इन सेयांस लोगों को ऐसे ही तरीके से हरा भी देंगे। जहाँ पर यामचा ये भी कहता है कि हर दिन हमें कोरिन से सीखने को नहीं मिलता, लेकिन इस बार मिलने वाला है तो हमारी भी पावर 2 गुने से ज्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पर क्रिलिन को याद आता है कि अरे हाँ तुम तो सही कह रहे हो, हमारी पावर तो 2x बढ़ जाएगी अगर कोरिन हमें ट्रेनिंग देगा तो। तभी यामचा कहता है कि उन लोगों को तो हम ऐसे ही धूल चटा देंगे। जहाँ बुलमा कहती है कि अब तुम सही बात कर रहे हो यामचा, पर क्रिलिन कहता है कि ओ ग्रेट, ये फिर से उसके प्यार में पड़ चुकी है। अपोरा कहता है कि हाउ रोमांटिक। अब इधर गोहान फ्रूट तोड़ रहा है, जिसको तोड़ते तोड़ते ही याद आता है कि भाई ये जो डायनासोर है ये अच्छा हो जाएगा तो इसको मैं पेट की तरह ही पालूंगा, जहाँ पर हम दोनों साथ में घूमेंगे और मुझे पार्टनर भी मिल जाएगा। जहाँ वो बहुत ही ज्यादा खुश भी है। जहाँ पर गोहान सबसे ऊपर वाले चोटी पर होता है, जहाँ से वो नीचे देखता है और जंप लगा देता है, जहाँ पर वो कुछ तक खड़े नहीं रह पाता लेकिन फाइनली वो खड़ा हो जाता है। फिर वो कैसे तो करके आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे दिखता है एक पत्थर, जो कि कहता है कि चलो अभी टेस्ट की जाए। जहाँ वो जोर का मुक्का उस पत्थर को मार देता है, जिससे इसको ही लग जाती है वो पत्थर टूटता नहीं है। यहाँ पर गोहान कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ने वाली है। जहाँ वो आगे बढ़ जाता है, जैसे ही वो थोड़ी दूर तक जाता है तो हमें देखने को मिलता है जिस पत्थर को इसने मारा था वो पूरा ही चकनाचूर हो चुका है। अब गोहान बहुत ही खुशी के साथ ये सारे फल फ्रूट लेके भाग रहा है। तभी हम देखते हैं इधर ये डायनासोर को, जिसके ऊपर एक दूसरा डायनासोर अटैक कर चुका है, जो कि उसे मारने की कोशिश करता है। तभी गोहान आ जाता है, जो कि देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और शॉक भी है कि भाई इसने तो मेरा भी पीछा किया था, ये वही डायनासोर है, जो कि चिल्लाता है और कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, तुम उसे क्यों मार रहे हो। जहां गोहान अपनी स्वॉर्ड निकालता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो डायनासोर इसे देख लेता है और इसको एक जोर की पूंछ उसे मार देता है। अब गोहान दूर जाकर गिर जाता है, वो फिर से उठता है और मारने के लिए आगे
बढ़ता है। तभी इसके ऊपर मारने के लिए आ जाता है वो डायनासोर, जो कि भाग कर आता है जहाँ पर वो इसे खाने की कोशिश करता है, जहाँ से गोहान कैसे तो करके भागने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर उसकी तलवार उसी पेड़ के ऊपर लटकी हुई है जिसको वो देखता है, तो वो भागने लगता है। जहाँ पर वो तलवार को निकालता है और सीधा ही इस डायनासोर के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे वो उसे मारने वाला होता है। जैसे ही वो तलवार मारने जाता है तो ये डायनासोर अपनी पूंछ की बदौलत उसे फेंक देता है बहुत ज्यादा दूर। अब गोहान झाड़ियों के अंदर चले गया है और इधर अभी हम देख रहे हैं कि ये डायनासोर इस दूसरे डायनासोर को मार रहा है। इधर गोकू भागते हुए आगे जा रहा है, जो कि यही कहता है कि आखिरकार कब आएगा किंग काई का घर और कब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग लेने पहुँचूंगा। इधर अभी सुबह हो चुकी है जहाँ पर गोहान उठ चुका है, जहाँ वो देखता है कि भाई यहाँ पर क्या हो गया था, मेरी आँख लग गई थी क्या। वो देखने आगे बढ़ता है, तभी हमें देखने को मिलता है जिस डायनासोर से ये प्यार कर रहा था उस डायनासोर को पूरा ही खा लिया है इस बड़े वाले डायनासोर ने। जहाँ पर गोहान उदास तो है और थोड़ा सा रो भी लेता है, लेकिन वो कहता है कि अब मैं कहीं पर भी नहीं रुकूंगा, मैं इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा कि मैं इन लोगों को हरा पाऊं। जहाँ वो ऊपर वाले बहुत ही ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाता है और वहां से जंप लगा देता है। और इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों क्या वाकई में गोहान बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएगा खुद होके और जीना सीख पाएगा अकेले रह के, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।